ज्ञानानंद कर नेमिचंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवन समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी बानी विविध विधि स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत होत उदंगल दूरी सब होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान वेचन पर अपनी चर्चा चल रही है। उपसम श्रेणी के गुणस्थानों को पूर्ण करते हुए शपक श्रेणी का जो अंतिम गुणस्थान है बारहवा गुणस्थान, उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। सभी और बाकी सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। देवांश क्या कर रहे सभी आज विश्राम? चलो ये कनिष्ठ वाले अच्छे हैं, चार पांच लड़के फर्स्ट नंबर आते हैं, उनका विषय हो चाहे नहीं हो, छात्र प्रवचन में भी कक्षा में भी, फर्स्ट ईयर के भी बढ़िया ही हैं, लेकिन आज थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा मौसम बदल गया है, माहौल बदल गया है, परिणाम भी बदल गए होंगे है? हाँ, शिफ्टिंग वगैरह चल रही है। चलो बारहवा गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान, नाम ही है इसका क्षीण मोह। मोह कैसा हो गया? क्षीण हो गया, खत्म, समाप्त, नष्ट हो गया पूरा मोह। जिनके नष्ट हो जाता है ऐसे वो मुनिराज क्षीण मोही मुनिराज कहलाते हैं। और ऐसे क्षीण मोही मुनिराज की जो अवस्था है वो क्षीण मोह गुणस्थान वाली कही जाती है। ये बारहवें नंबर की अपन अवस्था इसे कहते हैं। यही मुनिराज जब आठवें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ किए थे उस समय इन मुनिराजों के जो आनंद की वृद्धि होती गई, वीतरागता बढ़ती गई, और वही वीतरागता बढ़ते हुए आनंद बढ़ते हुए असंख्यात गुणी निर्जरा करते हुए कर्मों की, और अब बारहवें गुणस्थान में इनके संपूर्ण मोह का अभाव हो चुका है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म लोभ दसवें गुणस्थान में था तो सूक्ष्म लोभ का अभाव दसवें गुणस्थान में हुआ कि बारहवें गुणस्थान में हुआ? ठीक है, प्रश्न फिर से बोलता हूँ। सूक्ष्म लोभ अभी तक था दसवें गुणस्थान में, तो सूक्ष्म लोभ का अभाव दसवें गुणस्थान में हुआ कि बारहवें गुणस्थान में हुआ? क्यों तमिलनाडु? हमें तो आश्चर्य होता है इसको हिंदी कैसे आती इतनी बढ़िया है, आने के बाद सीखा है। हमारे साथ भी बहुत सारे तमिलनाडु के पढ़ते थे, वो शुरू से ही कुछ नहीं, रोटी कैसे बोलें, पानी कैसे बोलें, कुछ नहीं आता था।
इशारे से करते थे और गूंगे से रहते थे, मौन एकदम, जैसे मौन व्रत ले रखा हो ऐसा। बहुत टाइम लगता था, हिंदी थोड़ी थोड़ी, रोटी ऐसा ऐसा, भाषा कैसी, रोटी हाथ कर दिया मतलब लाओ, लाओ नहीं पता तो हाथ से इशारा करके लाओ हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द धीरे धीरे, एक एक शब्द आते आते वो पूरी हिंदी आई, फिर संस्कृत भी सीखना, एक एक चीज़ बहुत गजब का काम है। लेकिन देखो इन लोगों के उधर से इधर आके सब सीख जाते हैं, अपनी वो भाषा तो आती है, ये भाषा भी बहुत आ जाती है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश भी। लेकिन अपन यदि सोचें तमिल सीख जाएं, तब तो ऐसा लगता है कि वहाँ जन्म लेना पड़ेगा है, बहुत कठिन काम है अपने लिए। तो वो यदि देखें तो जलेबी जलेबी सी दिखती हैं एकदम, लेकिन मस्त एकदम मुस्कुराता रहता है। पिछले साल से देख रहा हूँ, गर्मी में आता था मैं इधर वो PhD के काम से, तो उस समय मिले, दिवाली पे मिले थे ना, अकेला रुका था यहाँ पे, सब चले गए थे इसको छोड़ के। तो क्या बोले, दसवें गुणे स्थान में अभाव होता है सूक्ष्म लोभ का कि बारहवें में। कई लोग कहते हैं दसवें में अभाव होता है तो बारहवा गुण स्थान होता है, कई लोग कहते हैं बारहवें के प्रथम समय में, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, या इसका बीच का रास्ता निकालो, दसवें गुण स्थान का व्यय और बारहवें गुण स्थान का उत्पाद ऐसा, या फिर दूसरी भाषा में कहना हो दसवें गुण स्थान के अंत में या फिर बारहवें गुण स्थान के प्रथम समय में, इस तरह का कहने में भी कोई समस्या नहीं है। सूक्ष्म लोभ जहाँ तक होगा वहाँ तक दसवां गुण स्थान, और जहाँ सूक्ष्म लोभ नहीं होगा वहाँ से बारहवां गुण स्थान। एक इतना सरल उपाय है समझने का। तो इस तरह से संपूर्ण मोह का अभाव, देखो ये ग्यारहवें गुण स्थान में भी मोह गया था, बारहवें में भी गया, दोनों में क्या अंतर आया, उसमें दबा हुआ था और इसमें चला गया। देखा जाए तो ग्यारहवें वाले जितने सुखी, बारहवें वाले भी उतने ही सुखी, दोनों के सुख में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों की वीतरागता में कुछ भी अंतर नहीं। लेकिन कितनी देर का अंतर, मात्र कितना अंतर मुहूर्त के लिए, कितनी देर के लिए वो तो विशेष है फिर, है ना। अंतर मुहूर्त के लिए दोनों एकदम समान वीतरागी और समान सुखी हैं, थोड़ा सा बारहवें गुण स्थान का काल ग्यारहवें से डबल बताया है। ग्यारहवें में दो शुद्र भाव प्रमाण था, बारहवें में चार शुद्र भाव प्रमाण है, कितना, चार शुद्र भाव प्रमाण। तो इस तरह से बारहवें गुण स्थान का डबल है। तथापि जिस समय ग्यारहवें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं और बारहवें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, दोनों एकदम बराबर सुख का उपभोग कर रहे हैं, सुख का वेदन कर रहे हैं, ऐसे वो ग्यारहवें और बारहवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो उस समय वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन के अनुसार तो दोनों बराबर, तथापि देखो भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों बिल्कुल आर पार, एक जाने वाला है संसार से पार और दूसरा आने वाला है मझधार, मझधार ही में आएगा वापस बैक टू पवेलियन, आनी है। ग्यारहवें तक जो गया है उसको वापस नियम से दसवें नौवें आठवें सातवें छठे तक तो आना ही है, बीच में कोई ऑप्शन नहीं, अनेकांत है ना। पिछले साल तुम भी थे ना यहाँ, इस साल पहली बार देख रहे हैं। लेकिन बारहवें गुण स्थान में जो गया है गारंटेड, अब पक्का है, अंतर मुहूर्त में ही अब केवल ज्ञान होगा ही होगा,
कोई विघ्न बाधा नहीं, मरण हो गया तो शपक श्रेणी वाले का मरण होता ही नहीं। जब आठवें मरण नहीं होता तो नौवें में कैसे होगा, जब नौवें में नहीं होता तो दसवें में कैसे होगा, जब दसवें में नहीं होता तो बारहवें में कैसे होगा, होते ही नहीं। तो शपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं, इनका मरण हो ही नहीं सकता। एक दो तीन दिन पहले किसी विद्यार्थी ने पूछा कि मान लो हो गया तो, अरे मैंने कहा जब हो ही नहीं सकता, मान लो हो गया तो, पता नहीं कनिष्ठ ही का था कि कोई वरिष्ठ का, तुम लोगों में से थे क्या कोई, कोई था एक जरूर, मान लो हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे वो ना, जब हो ही नहीं सकता तो फिर कहा मान लो उतनी ही उनकी आयु होगी तो, अरे उतनी होगी नहीं, उनकी आयु अधिक ही होगी नियम से, जो शपक श्रेणी में चढ़ गए हैं उनकी आयु नियम से अधिक ही है, कम से कम अंतर मुहूर्त तो है ही, कितनी अंतर मुहूर्त तो है ही, कितनी अंतर मुहूर्त, कि बारहवें में ये आठवें का अंतर मुहूर्त, नौवें का अंतर मुहूर्त, दसवें का अंतर मुहूर्त, बारहवें का अंतर मुहूर्त, तेरहवें का अंतर मुहूर्त, चौदहवें का अंतर मुहूर्त, इतने सब मिला के भी, सबका मिलाकर भी अंतर मुहूर्त, इतनी तो कम से कम उनकी आयु है ही, उससे कम नहीं हो सकती। और ये कम से कम बताई है, अधिक तो बहुत भी हो सकती है, कितनी हो सकती है, आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व हो सकती है। मैंने आठ वर्ष में किसी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके फिर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान तक ले लिया, वो कैसे होते होंगे वो मुनिराज, ऐसे विदेश क्षेत्र में होते कि नहीं होते, कि आठ वर्ष में, माने जैसे किसी ने विदेश क्षेत्र में जो मुनिराज हों आठ वर्ष में दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उनकी आयु कितनी, एक कोटि पूर्व, और पूरे एक कोटि पूर्व तक अरहंत दशा कितनी लंबी चलेगी, एक कोटि पूर्व कोई छोटी वोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं, संभव, अच्छा तुम यहीं पढ़ते हो, कौन सी क्लास में, कनिष्ठ में, अच्छा बहुत बढ़िया। क्या बोला, एक कोटि पूर्व का मतलब समझते हो, एक कोटि में कितना होता है, हम पूछ रहे कि समझते हो, वो कह रहा है कि आप बता दो कितना है, कितना होता है, एक कोटि माने एक करोड़, कितना करोड़ नहीं करोड़, क्या अब बुंदेलखंड के हो तो कड़ोरे ही बोलोगे तुम है ना, समझ में आ जाता है इंग्लिश में करोड़ और बुंदेल हिंदी में कड़ोर और अमेरिकन में खरोड़ है, कैसा बोलेंगे, अच्छा अरे वाह, तो एक करोड़ और पूर्व, पूर्व कितने का होता है, 70,56,000, कितने 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है, फिर से बोलता हूँ 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व है, और ऐसे कितने पूर्व, इसमें एक करोड़ का और गुणा कर दो तो 7 शून्य और बढ़ जाएंगे, इतना कहलाता है एक कोटि पूर्व, या एक पूर्व कोटि भी कह दो, है ना, इसमें लिखा भी है प्रश्नोत्तर में एक पूर्व की जो परिभाषा दी है ना, कहाँ गया प्रतीक, नहीं आया, एब्सेंट हो गई, चलो क्या कहाँ चला गया, घर छुट्टियां हो गई क्या, फिर चलो तुम बताओ देवांश क्या बोला हमने,
70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व, और हाँ उसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दो तो 1 कोटि पूर्व हो जाएगा। 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व और उसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दो तो 1 पूर्व कोटि। तो इस तरह से इतनी भी इतनी लंबी आयु अरहंत अवस्था की हो सकती, बैठ जाओ। तो अपन को ये समझना है कि ये जो मुनिराज जो 12वें गुण स्थान में हैं, अब 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुखी तो हो ही गए हैं, और अब इसके बाद अंतर मुहूर्त बाद अनंत सुखी होने वाले हैं। कितने सुखी? अनंत सुखी। अभी पूर्ण सुखी थे, फिर हो गए अनंत सुखी, और सिद्ध कौन से हो जाते हैं? अव्यवाद सुखी। अपन देखते हैं 12वें गुण स्थान का अब स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा देखें, गोमरसार जीवकांड गाथा नंबर 62, पृष्ठ क्रमांक 229, 229। चलो, कोटा के विद्यार्थी भी आ गए क्या? कहाँ के हैं सब? यहीं के हैं? कौन सी क्लास के? कनिष्ठ वरिष्ठ सब? अच्छा, तुम लोगों ने आरंभ नहीं किया, छूट थी तुम लोगों के लिए। अच्छा, इसलिए लाभ ले लिया जाए। चलो गाथा अपन देखते हैं। गाथा का अर्थ सीधा, स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान। देखो, उसमें भी एक उदाहरण दिया था, दो उदाहरण दिए थे। एक कौन सा उदाहरण दिया था? निर्मली फल, उसका उससे जल को है ना शुद्ध कर दिया है, और एक सरोवर का जल दिया था, निर्मली फल के जल के समान और सरोवर के जल के समान। वहाँ तो नीचे गंदगी बैठ गई थी, पानी ऊपर स्वच्छ था, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया? स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए। स्फटिक मणि का पात्र कैसा होता? एकदम स्वच्छ, श्वेत, धवल, स्पष्ट, और उस पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान। इसका मतलब नीचे गंदगी भी बिल्कुल नहीं है, पूरी साफ हो चुकी है। संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। माने कषायों का संपूर्ण रूप से क्षय हो चुका है, और ऐसे समय जीव के जो परिणाम हुए अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणाम हुए, ऐसे वीतरागी परिणाम उनको ही क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुण स्थान तो परिणामों का ही नाम हुआ। किसका नाम हुआ? परिणामों का ही नाम हुआ। ऐसे परिणाम जिन जिन के हों वो सबके सब मुनिराज क्षीण मोही गुण स्थान वाले कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन ने परिभाषा जानी। अब इसके बाद अपन देखते हैं ये नाम संबंधी विचार, तो सब देख लेना आप। सम्यक तो अपेक्षा विचार और चारित्र अपेक्षा विचार। तो 12वें गुण स्थान में सम्यक तो यदि होगा तो कौन सा होगा? द्वितीयोपशम होगा कि शायक होगा? दो में से कोई एक कि एक में से कोई दो? एक ही होगा बस। कौन सा? शायक सम्यक तो होगा। और चारित्र कौन सा होगा? क्षायक यथाख्यात चारित्र। 11वें गुण स्थान में था औपशमिक यथाख्यात चारित्र, और यहां पर है क्षायक यथाख्यात चारित्र। काल अपेक्षा यदि अपन विचार करें तो 12वें गुण स्थान का काल कितना? अंतर मुहूर्त कितना है? जघन्य कितना? जघन्य कितना?
एक समय जघन्य कितना होते ही नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें जघन्य होगा ही नहीं क्योंकि मरण तो होते ही नहीं, और जब जघन्य नहीं होगा तो उत्कृष्ट भी नहीं होगा, ये नियम है। जघन्य नहीं होगा तो जैसे छोटा नहीं होता तो बड़ा नहीं होता, जिसका छोटा भाई नहीं होता उसका वो बड़ा भाई नहीं होता, उसका बड़ा भाई नहीं होता नहीं, जिसका छोटा भाई नहीं होता वो बड़ा भाई भी नहीं होता, क्योंकि बड़ा तो कब होता है जब उसका छोटा भाई हो, जब छोटा ही नहीं होगा तो वो बड़ा भी नहीं होगा। तो ऐसे ही इसका जघन्य काल नहीं होगा तो उत्कृष्ट काल भी नहीं होगा, और जब छोटा और बड़ा नहीं होगा तो मंझला भाई होगा, मंझला भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जघन्य नहीं होगा तो उत्कृष्ट नहीं होगा, और जघन्य उत्कृष्ट नहीं होंगे तो मध्यम भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके काल में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट का कोई भेद नहीं, मात्र एक अभेद, एक ही अंतर्मुहूर्त काल होता है। और अपन ने उस रूप में विशेष जान लिया कि चार शुद्रभाव प्रमाण, इतना इसका अंतर्मुहूर्त काल समझना चाहिए। गमन और आगमन होगा तो कहां कहां होगा, बारहवें गुण स्थान से गमन होगा तो ऊपर तेरहवें में, एक ही रास्ता बस, ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं। इसलिए गमन का रास्ता एक और आगमन का रास्ता भी एक, कहां से शपक जो दसवां है वहां दसवें से सीधा बारहवें गुण स्थान में। तो गमन का रास्ता ऊपर एक और आगमन का नीचे से एक, ये हो गया गमनागमन। अब देखते हैं विशेष अपेक्षा विचार, पृष्ठ क्रमांक 232। विशेष अपेक्षा विचार पहला बिंदु, यहां मात्र साता वेदनीय का ईर्यापथ आश्रव होता है, क्योंकि बारहवें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज को किसी भी प्रकार का कोई भी कषाय नो कषाय रूप अर्थात मोह कर्म का उदय तथा परिणाम नहीं रहा, वे सर्वथा वीतरागी हो गए हैं। यहाँ आश्रव का एकमात्र कारण योग का ही सद्भाव है। अब यहाँ पर कषाय तो रह नहीं गई, सारी कषाय समाप्त तो हो गई। देखो ये ग्यारहवें गुण स्थान में जो कषाय कहते हैं समाप्त तो हो गई, और बारहवें गुण स्थान में समाप्त तो हो गई, दोनों को जो कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर समझना। अपन ने समझ लिया है कि एक में दबी हुई है और एक में क्षय हो गई। इसके लिए एक छोटे से उदाहरण से भी समझते हैं कि ग्यारहवें गुण स्थान की जो दबी हुई कषाय तो उसको कहते हैं सोया हुआ शत्रु। कैसा? सोया हुआ शत्रु। और बारहवें गुण स्थान में मरा हुआ शत्रु। दोनों में अंतर है कि नहीं? संभव। क्या अंतर है? सोया हुआ शत्रु और मरा हुआ शत्रु, देखा जाए तो शत्रु तो दोनों हैं, तो इस अपेक्षा से तो समानता है, लेकिन सोए हुए और मरे हुए में क्या असमानता है? जब तक सो रहा है तब तक कोई समस्या नहीं, कुछ भी करो उसके साथ, है ना, है ना, उसके कपड़े को उधर नीचे बांधो, दूसरे उससे करते कि नहीं करते? नहीं करते, करना भी मत, लेकिन कुछ भी किया जा सकता है। बाल ऐसे पकड़ के ऐसे कट कर सकते हैं सोया हुआ हो तो, मैंने और भी करना नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ भी किया जा सकता है। सोया हुआ शत्रु हमारे लिए घातक नहीं है जब तक कि वो सो रहा है, लेकिन जब जगेगा तो बहुत खतरनाक है, और जगना तो है ही। लेकिन जो शत्रु मरा हुआ है, एक्सपायर हो गया, अब वह कुछ भी हमें हानि पहुंचाने वाला नहीं है, ना जब तक उसकी लाश पड़ी हुई है तब भी और उसके बाद भी नहीं, कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है। ऐसा उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी के लिए अपन इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आश्रव की बात कही,
कि मात्र ईरियापथ आश्रव होता है और वो भी योग से होता है, कषाय से आश्रव नहीं होता, क्योंकि कषाय तो यहाँ पर अब बिल्कुल भी शेष नहीं रही। पॉइंट नंबर दो, शपक अपूर्व करण के प्रथम समय से ही चारित्र मोहिनी आदि कर्मों की श्रेणी में पूर्व गुणस्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वीतराग परिणामों के निमित्त से वृद्धिंगत भी होती जा रही है। माने आठवें गुण स्थान में जो असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही थी शपक श्रेणी में, वो निरंतर असंख्यात गुणी बढ़ती बढ़ती और यहाँ भी अभी तक बढ़ती चली जा रही, हर समय ये काम अभी भी लगातार जारी है। उसमें और भी पढ़ते हैं नीचे का थोड़ा सा और, बारहवें गुणस्थान के प्रथम समय से ही ज्ञानावरणादि तीनों घाती कर्मों का नया बंद होना भी सर्वथा रुक गया है। कैसे रुक गया कोई बता सकता है? ज्ञानावरणादि नवीन कर्मों का बंध रुक गया, हाँ कैसे? वीतरागी हो गए, हाँ अभी कहाँ केवली हुए, अभी तो बारहवें गुणस्थान, हाँ वीतरागी हो गए। वीतरागी हो गए तो सर्वज्ञ हो गए गारंटी नहीं है, लेकिन जो सर्वज्ञ हो जाएं वो वीतरागी गारंटेड रहते हैं, है ना? बोलो, बहुत बढ़िया। नया बंद तो मोहिनी कर्म से हो रहा था और अब मोहिनी कर्म चला गया, इसलिए अब इनके ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का नया बंध सर्वथा रुक गया है। यहां बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों घाती कर्मों का सर्वथा नाश होते ही, बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में किसका नाश हो जाता है? तीन घाती कर्मों, और कौन कौन से? पीछे से आवाज लगाओ जरा, कौन कौन से तीन? अरे जोर से बोलो, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीन, इन तीन का भी बारहवें गुणस्थान के अंत समय में अभाव हो जाता है। उसी समय ज्ञान दर्शन गुण की अल्पज्ञ अवस्था का व्यय, ज्ञान दर्शन की अभी कौन सी अवस्था थी? अल्पज्ञ अवस्था, छदमस्थ अवस्था जिसे अपन कहते हैं, उसका हो गया व्यय और केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन पर्याय का उत्पाद एक ही समय में होता है। अल्पज्ञ अवस्था का व्यय और सर्वज्ञ अवस्था का उत्पाद एक समय में। उसी समय अल्प वीर्य का व्यय होकर अनंत वीर्य का उत्पाद हो जाता है। तो कितने चतुष्टय हो जाते हैं फिर? कितने हो गए तेरहवें गुणस्थान में? चार हो गए। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। अच्छा कोई बता सकता है कि किस किस के अभाव से कौन कौन सा चतुष्टय माने एक प्रकट होता है? एक एक कनिष्ठ में होना, हाँ बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक सेकंड सोच लो जरा, एक बार और सोचो। बहुत बढ़िया, हाँ सुख, बहुत अच्छा। बैठो, कहाँ से आए हो? अच्छा आरोन से, तुम्हारे गांव से। चलो, एक और आरोन का आने वाला था, वो नहीं आया ना इधर, एक और तीसरा था। नहीं वो कहीं नहीं आया फिर, ना इधर आया ना उधर आया। ठीक है, वो अपने ही घर पे होगा। बता दिए, बहुत बढ़िया बताए। क्या नाम तुम्हारा? अच्छा चलो, तीन बता दिए, चार कौन कौन से, किसके अभाव में कौन सा? हाँ बोलो बोलो,
हरे ज्ञान आवरण कर्म के अभाव में उसमें शब्द उसी के अंदर छिपा हुआ है, अनंत ज्ञान दर्शन। हाँ, मोहिनी के अभाव में अनंत सुख और हाँ अनंत वीर प्रकट होगा। किसके अभाव में? अनंत अंतराय के अभाव में। बैठ जाओ। तो इस तरह से ये चारों का उत्पाद, चार का व्यय और इनका उत्पाद होता है। पॉइंट नंबर 3, ये थोड़ी नई जानकारी तीसरे में और मिलेगी। औदारिक शरीरधारी छदमस्त जीवों के, ये जो छदमस्त शब्द आ रहा ना, छदमस्त का मतलब होता है जो ज्ञान और दर्शन में, क्षयोपशम ज्ञान और अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन में जो स्थित होते हैं, या क्षयोपशम ज्ञान दर्शन में जो स्थित होते हैं, या अल्प ज्ञान अल्प दर्शन में स्थित होते हैं, जिनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वो छदमस्त कहलाते हैं। ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के, माने पहले से 12वें तक के सभी जीव छदमस्त कहलाते हैं, और उसके ऊपर के सर्वज्ञ। तो औदारिक शरीरधारी छदमस्त जीवों के शरीर में निरंतर अनंत निगोदीय जीव विद्यमान रहते हैं। शरीर में कितने जीव हैं? अनंत निगोदीय जीव हैं। क्षीण मोही मुनिराज का शरीर भी औदारिक शरीर ही है। कौन सा शरीर है उनका? और अपना शरीर कौन सा है? अपना कौन सा है? तो दोनों बराबर हो गए, उनका भी औदारिक और अपना भी औदारिक, दोनों बराबर हो गए, शरीर की अपेक्षा बराबर हो गए ना। देव और नारकियों के वैक्रियक, और जो मुनिराज होते हैं कुछ विशिष्ट, हाँ छठवें गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी वालों के, उनके आहारक शरीर भी होता है। तो यहाँ तो ये औदारिक शरीर वाले हैं ये सभी मनुष्य। तो ऐसे इनके शरीर में, सबके शरीर में, अपने भी शरीर में अनंत निगोदीय जीव हैं। अपने शरीर के आश्रय से, ब्लड के आश्रय से भी, इसके अंदर मांस मज्जा जो रहता है उसके अंदर भी अनंत निगोदीय जीव अपने शरीर के आश्रय से रहते हैं। तो ऐसे निगोदीय जीव उनके शरीर में भी थे, कौन से गुणस्थान तक? 12वें तक। अब 12वें गुणस्थान में जब वो पहुंचे हैं, उसी समय एक प्रक्रिया चालू हो गई। वहां पर क्षीण मोही मुनिराज का शरीर भी औदारिक शरीर ही है, परंतु इन मुनिराज के शरीर में से प्रथम समय से ही, कौन से समय से? प्रथम समय से ही अनंत बादर निगोदीय जीवों का प्रति समय निकलना अर्थात मरना प्रारंभ हो जाता है। हर समय जितने अनंत जीव उनके शरीर में थे वो सब मरने लगते हैं। कई लोगों को इसमें ऐसा लगता है कि उनको केवल ज्ञान हुआ होने वाला है, अभी 12वें गुणस्थान में हैं, तो उनके शरीर में जो स्थित थे, शरीर के आश्रय जो निगोदीय जीव रहते थे, तो वो सब मर रहे हैं, तो इनके घात का पाप किसको लगना चाहिए? 12वें गुणस्थान वालों को लगना चाहिए कि नहीं? कितने सारे जीवों का घात हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ऐसा मत समझना कि 12वें गुणस्थान में आने से उन सबका घात होने लगा। उनकी आयु उस समय पूर्ण हो चुकी थी, तो अपने आयु कर्म से वो भी मरण को प्राप्त होने लगे। अपने शरीर में भी जो बादर निगोदीय जीव हैं, इस शरीर में भी हैं, तो उनका भी निज आयु क्षय से मरण हो जाता है, और नए नए उत्पन्न होते रहते हैं अपने शरीर में, लेकिन उनके शरीर में नए उत्पन्न नहीं होते, जो पुराने थे वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। कई लोग इसको इस भाषा में कहते हैं कि नष्ट होना मत कहो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने वो नष्ट कर दिया, उनके निमित्त से नष्ट हो गए। तो क्या भाषा बोलना चाहिए? निकल गए। नहीं, आयु पूर्ण भी, ये तो और एक्स्ट्रापन ने कहा, मरने वाली बात मत करो, क्या बात करो? निकल गए, उसमें से निकल गए।
है ना। ये अपन इस भाषा में प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि निकल गए, वो तो मरण होके और फिर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बारे में उनने एंट्री की और इन्हें सोचा अरे अभी इधर आ गए बारहवें गुलिस्तान में, अपन चलो इधर से, अब हमारे हमें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, उनकी आयु समाप्त हो जाती है और वो अपने आप ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रथम समय से ही ऐसा काम चालू हुआ। क्षीण मोह गुलिस्तान के अंतिम समय में सभी बादर निगोदिया जीवों के अभाव से, सारे बादर निगोदिया जीवों का अभाव हो गया अंतिम समय तक, तो अभाव से अनंतर समयवर्ती 13वें गुलिस्तान के प्रथम समय में ही मुनिराज परम औदारिक शरीरधारी अरहंत परमात्मा हो जाते हैं। अभी कौन सा शरीर था? औदारिक। अब कौन सा हो गया? परमोदारिक। माने निगोदिया जीवों के अभाव से उसी शरीर का नाम हो गया परमोदारिक। इसमें प्रश्न भी उठाए, देखो प्रश्न नंबर 108 वही प्रश्न है कि अनंत निगोदिया जीवों की हिंसा करने वाले मुनिराज अहिंसा महाव्रती कैसे माने जा सकते हैं? इसका समाधान वैसे ही हो गया है कि प्रमत्त योग का अभाव होने से मुनिराज अहिंसा महाव्रति ही हैं। किसका अभाव है? प्रमत्त योग, प्रमाद परिणति उनके नहीं है, प्रमाद का अभाव हो चुका, इसलिए वो सब कैसे हैं? अहिंसा महाव्रति हैं। उन बादर निगोदिया जीवों का मरण उनके आयु कर्म के क्षय के निमित्त से ही हुआ है, उसमें औदारिक शरीरधारी मुनीश्वर की कुछ भी निमित्तता नहीं है। मन उनके आयु निजायु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं? तो इस तरह से उनका निजायु क्षय से मरण हो गया। और मान लो ये तो बारहवें गुणस्थान की बात है, और भी यदि निचले गुणस्थानवर्ती हों, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती, तो जब कहते हैं वो ईरिया समिति से चल रहे हों, तो ईरिया समिति से चलते समय वहाँ तक भी कहते हैं कि यदि उनके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए तो उस हिंसा का पाप भी उनको नहीं लगता है। तो ये तो और दूर की बात हो गई, क्यों नहीं लगता है कोई बता सकता है? कुंद कुंद सतक का छंद बोल के बताए कोई? नहीं, निजायु क्षय से तो हो गया। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयतनाचार से तब बंध होता है नहीं, जब रहे यतनाचार से। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा तो किससे होती है? अयतनाचार प्रवृत्ति से, प्रमाद प्रवृत्ति से। तब बंद होता है नहीं, जब रहे यतनाचार से। यदि यतनाचार प्रवृत्ति हो, प्रमाद रहित प्रवृत्ति हो, तब उनके यदि कदाचित हिंसा हो भी जाए तब भी उनके उस हिंसा का पाप नहीं होता, उससे बंद भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, चतुर्थ गुणस्थान से 12वें क्षीण मोह गुणस्थान पर्यंत सर्व जीवों की अंतरात्मा संज्ञा है। बहिरात्मा फिर कौन हुए? पीछे कनिष्ठ वरिष्ठ कौन कौन है? बहिरात्मा कौन है? अरे जोर से बोलो भैया, क्या है, शर्माते क्यों? ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ के नहीं, कहीं और क्या है, क्या संकोच सा कर रहे हैं? यहीं क्यों हो, स्मारक में ही पढ़ते हो? अरे कोई जवाब ही नहीं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ना हाँ कह रहे ना ना कह रहे। हाँ वो ना, हाँ के ना, के ना कहा? तो क्या बोला? बहिरात्मा कौन कौन से गुणस्थान वाले? 1 से लेकर 3 तक। और अंतरात्मा कौन से? 4 से लेकर 12 तक। और परमात्मा 13वें 14वें और फिर सिद्ध भी हैं। तो इस तरह से चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं वो सब के सब अंतरात्मा ही कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्षीण मोह यह शब्द आदि दीपक है। जो क्षीण मोह शब्द आया वो आदि दीपक, माने क्षीण मोह की शुरुआत,
है ना, जो पूर्ण क्षीण मोह हो गया, कहाँ से? बारहवें गुण स्थान में, बारहवें गुण स्थान में मोह पूर्णतः क्षीण हो चुका है, ऐसे वो क्षीण मोही मुरा, जो क्षीण मोह शब्द है ये आदि दीपक, माने यहाँ से क्षीण मोह संज्ञा शुरू हो गई, अब इसके ऊपर सब कैसे हैं, क्षीण मोही ही कहलाते हैं। माने तेरहवें गुण स्थान वाले भी क्षीण मोही, चौदहवें गुण स्थान वाले भी क्षीण मोही, नहीं? हाँ सही बात है, क्षीण घाती कहलाना चाहिए, क्षीण घाती कहलाएंगे, लेकिन मोहिनी की अपेक्षा से बात करें तो क्षीण मोही। बारहवें गुणस्थान वाले क्षीण मोही, तेरहवें वाले भी क्षीण मोही हैं, प्लस एक्स्ट्रा डिग्री एक और मिल गई, कौन सी? क्षीण घाती, ये वाली डिग्री तो है ही, तो वरिष्ठ में आता है तो कनिष्ठ नहीं कहलाता क्या? वो कनिष्ठ भी पास आउट तो है कि नहीं? जो वरिष्ठ में आ गया कनिष्ठ पास आउट, वो भी तो कहलाता कि नहीं? तो कनिष्ठ की डिग्री भी है, तो क्षीण मोही वाले को क्षीण मोही की डिग्री है, तेरहवें गुणस्थान वाले को भी क्षीण मोही की डिग्री है, और एक एक्स्ट्रा और मिल गई वरिष्ठ की, कौन सी मिल गई? क्षीण घाती, घाती कर्म का क्षय हो गया, क्या चीज? हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, क्षीण मोह संयोग केवली, कई नाम रखो। अच्छा इसमें लिखा है इसलिए तो नहीं, अरे बेटा अच्छा, बाकी कह सकते हैं तर्क से, इसमें भी लिखा है बारहवें से लेकर उपरिम गुण स्थानवर्ती सर्व जीव क्षीण मोही ही हैं। इस विषय को स्पष्ट समझने के लिए निम्न प्रकार का सुलभ उपाय अच्छा है, क्षीण मोह संयोग केवली, क्षीण मोह अयोग केवली, क्षीण मोह सिद्ध भगवान, इस तरह से भी अपन कह सकते हैं। छठ बिंदु, क्षीण मोह वीतराग छदमस्त, तो बारहवें गुणस्थान का पूरा नाम ये है, ये अपन जो और गुणस्थान है ना सब, इनके अपन शॉर्ट कट नाम बोलते हैं, देखा जाए तो इनके बड़े बड़े नाम हैं, अब वो इतने याद हो जाते हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जैसे इसका क्षीण मोह है वीतराग छदमस्त, तो और भी हैं लंबे लंबे नाम, इसमें देख लेना ना। तो इस तरह से ये भी सारे नाम हैं, लेकिन अपन तो अभी हाल क्षीण मोह इतना ध्यान रखें। तो क्षीण मोह वीतराग छदमस्त, मोह क्षीण हो गया इसलिए क्षीण मोह, वीतरागी राग पूरा अभाव हो गया इसलिए वीतराग, और छद्म में स्थित हैं, अल्प ज्ञान दर्शन में स्थित हैं इसलिए छदमस्त हैं। इस पूर्ण नाम में आए हुए छदमस्त शब्द को अंतदीपक समझना चाहिए, क्योंकि छदमस्तपना यहीं तक था, इसके ऊपर अब कोई भी छदमस्त नहीं है। प्रथम गुण स्थान से लगाकर इस बारहवें गुण स्थान पर्यंत के सर्वजीव छदमस्त ही हैं। छदमस्त शब्द का अंत दीपकपना निम्नानुसार स्पष्ट होता है, मिथ्यात्व छदमस्त, सासाधन छदमस्त, मैंने इस तरह से लगा के सब में लगा लो, इस तरह बारहवें गुण स्थान पर्यंत लगाते ही सब समझ में आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 और अंतिम बिंदु, यहां बारहवें गुणस्थान के प्रथम समय में मुनिराज चारित्र मोहिनी से भी रहित होते हैं, अतः इनको मोह मुक्त कहना युक्ति तथा शास्त्र सम्मत भी है। ये मुक्त के बहुत सारे इसमें पहले आ चुके हैं कथन, कोई दृष्टि मुक्त होते हैं, कोई मोह मुक्त होते हैं, कोई देह मुक्त होते हैं, हाँ छह मुक्त बहुत सारे इस तरह से, इनको कौन सा मुक्त संज्ञा दी? मोह मुक्त, क्योंकि मोह से मुक्त हो चुके हैं इसलिए इनका मोह मुक्त नाम है। इस तरह से ये बारहवें गुण स्थान की अपन ने चर्चा पूरी की, बस यहीं तक ही अपन को यहाँ लेना था। तेरहवें चौदहवें गुण स्थान की चर्चा आप लोगों की चलती रहेगी और करते रहना। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट में पूछ लेता हूँ जरा, ठीक है, टेस्ट हो जाए, है ना? आप लोग हाथ उठाना आराम से, जिसको बनता है वो जवाब देगा, नहीं बनेगा तो वैसे ही नहीं देगा जवाब। पहला प्रश्न,
दसवें गुण स्थान में किसका उदय होता है? कितने लोग बताएंगे? एक फर्स्ट ईयर और दो कनिष्ठ। अच्छा, अब बढ़ गए, ऐसा कह दिया इसलिए। चलो हाँ, ये बाजू वाला कौन है? सूक्ष्म लोभ। कल ही किसी ने यहाँ जो प्रश्न शंका दी थी सूक्ष्म लोभ वाली, पर बाद में और आया कि मुझे उसमें और कुछ दूसरा पूछना था। मैंने कहा सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है दसवें उपशम श्रेणी वाले में भी सूक्ष्म लोभ का, और शपक श्रेणी वाले में भी सूक्ष्म लोभ का उदय। तो उसका कहना था लोभ का उदय में क्या लोभ किस चीज का रहता है उनको, मुनिराजों को, जो दसवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के जो लोभ है, तो उनको काय का लोभ होता है? मोक्ष का लोभ होता है क्या? कि मोह का अभाव हो जाए इसका लोभ होता है, कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए इसका लोभ होता है, समव शरणादि की प्राप्ति हो जाए इसका लोभ होता है, कि मैं आगे आगे गुण स्थानों में बढ़ जाऊं इसका लोभ होता है। कह रहा प्रश्न मेरा ये था, आप समझ नहीं पाए थे। मैंने कहा सही बात है, अच्छा समझा दिया, अब मैं उसके बाद यहाँ बात करता हूँ। मैंने उसका अभिप्राय ये था, लोभ का मतलब सूक्ष्म लोभ है तो लोभ का मतलब कौन सा लोभ संभव? काय का लोभ? अरे वहां ऐसा क्या लोभ रहेगा? वहां तो जो सूक्ष्म लोभ है कि उसका कोई कार्य रूप में कथन हो ही नहीं सकता है, और वो ऐसी इच्छा थोड़ी करेंगे वहां कि मुझे मोक्ष मिल जाए। वो इच्छाओं वाला काम या सोचने विचारने का काम, बुद्धिपूर्वक वाला काम तो कहाँ तक रहता है? छठवें गुण स्थान तक। सातवें से ऊपर तक तो सारा काम अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, बुद्धिपूर्वक काम उनके होते नहीं है, इसलिए वो सोचते ही नहीं है कि मुझे केवल ज्ञान मिल जाए कि मोक्ष मिल जाए, इस तरह के उनका ऐसा लोभ नहीं होता है। अगला प्रश्न, बारहवें गुण स्थानवर्ती के मुनिराज के कौन सा शरीर होता है? वरिष्ठ वाला बताए कोई, वरिष्ठ में कौन है? एक तो ये है ही तमिलनाडु वाला, और कोई? और कोई है ही नहीं के बता नहीं रहे है ना? चलो ये बता देगा, लेकिन क्यों बता दोगे? बहुत बढ़िया, देखो तुम तो तमिल क्षेत्र में अच्छी प्रभावना करना भाई, इसको भी सपोर्ट करना, सब जितने भी हैं मंथन तुम लोग सब, माने इतना सपोर्ट करना कि जितना भले ही किसी और को हो पाए ना हो पाए, क्योंकि बाकी तो सब 123 तो तुम लोग कितने हैं, नहीं नहीं एमपी के कितने बताए थे, 114। ये लोग तो कैसी ना कैसी काम कर लेंगे अपना, है ना? महाराष्ट्र के भी 23 कुछ थे, फिर और अपने 14-15 और राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, तमिल का तो अभी कितने और 3 हैं, गुजरात का तो छोड़ो, वो तो उनको फिर भी हिंदी आती है, तो इसलिए और 3 और सीनियर हैं, जूनियर हैं नहीं, लेकिन तमिल प्रांत में इतना अच्छा यदि कोई तैयार होता है, इतनी बढ़िया हिंदी है, समझ भी है, सब समझ रहा है अभी से गुणस्थान, तो गुणस्थान वगैरह तो समझ ही नहीं पाते थे तमिल के, वो सोचते थे कि ये समझ जाएं कि गुणस्थान कैसा लिखते हैं, ये बहुत कठिन हो जाता था। सब समझ रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो सब मिल के सपोर्ट करना जिससे और बहुत अच्छा उस क्षेत्र तक लाभ मिले। अगला प्रश्न, ग्यारहवें गुण स्थान में यदि किसी का मरण हो जाए तो मरण करके वो कहाँ जाएंगे? हाँ बोलो। चलो ये गुण स्थान की अपेक्षा बता दिया, चौथे गुण स्थान में। अच्छा मान लो गति की अपेक्षा बताएं, तो ग्यारहवें गुण स्थान में यदि कोई मरण करे तो कौन सी गति में जाएंगे? हाँ बोलो। हाँ
कनिष्ठ में ही हो तुम? क्या बात, नाम क्या है? भावित, पवित्र। अरे वाह, पवित्र हो गए तुम तो अभी से। अभी सारा मटेरियल बता दिया, बस एक फर्स्ट सेंटेंस बस गड़बड़ हो गया था कि ग्यारहवें गुणे स्थान में मरण करके नगोद में जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा है। मैंने ग्यारहवें गुणे स्थान में मरण हो तो क्रम क्रम से पहले तो चौथे ही में आएंगे और फिर वहाँ जाएं, और गति की अपेक्षा देवगति, देवगति में ही जाएंगे और कहीं नहीं। इस तरह से कहाँ पर, हाँ नहीं उस समय तो नहीं छूटेगा। यदि ग्यारहवें गुणे स्थान में मरण हुआ तो सम्यक तो बना रहेगा। हाँ, देवायु में गया माने देवगति, देवायु में यदि वहाँ गया तो वहाँ अभी द्वितीय उपसंभाला यदि है ना, शायक वाला है, तब तो सम्यक तो छूटने का काम ही नहीं है। यदि द्वितीय उपसम वाला है तो द्वितीय उपसम लेके वहाँ तक जाएगा, और जो उसका काल पूरा हुआ, द्वितीय उपसम लेके जाएगा वहाँ, काल पूरा होते ही फिर जिसका उदय आ जाए, हाँ पहले गुण स्थान में नहीं, सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा तो शायद उस समय सम्यक्त होगा। और क्या, चलो ठीक है, अपन यहाँ पर ही पूर्ण करते हैं। यहाँ सब जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोग ये मान के चलें कि यहाँ पर स्मारक में आपका एडमिशन हुआ है, ये बहुत पुण्य से ही एडमिशन मिला है, आप समझें सभी, और बहुत अच्छे से अध्ययन करें, जो अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कई विद्यार्थी। मैंने यहाँ यदि आप लोग 5 साल अच्छे से लाभ लेते हैं रुचिपूर्वक, बहुत फ़ायदा है, इससे ज़्यादा दुनिया में कहीं पर भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। कई विद्यार्थी यहाँ के सोचते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे यहाँ आ गए हम तो फंस गए, फंस नहीं गए सुलझ गए, यही समझना, क्योंकि फंसे तो पहले वहाँ थे और दूसरा कोर्स करते तो वहाँ जरूर फंसना था, उलझना था, और यहाँ पर यदि आ गए हैं तो निश्चित रूप से संसार की उलझनों से सुलझ कर यहाँ आए हैं, और यहाँ से सुलझते ही जाना है। जितना भी तत्वाभ्यास होगा उतना ही कषायों की मंदता होगी, पवित्रता होगी, और हमारा कल्याण होगा। इसलिए बहुत रुचिपूर्वक कि हमारा भला ही है, इसके अलावा दूसरा कहीं भला नहीं है, ऐसा सोचकर सभी अध्ययन करें और अपना कल्याण करें, इसी भावना से यहीं पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत।